जय श्री शंभू, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 19 अगस्त सन 2023 में यानी कि शनिवार को पड़ने वाला है हरियाली तेज का ये व्रत। तो सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को बहुत ही उत्साह के साथ रहती हैं, लेकिन अगर कई रिश्तों में अगर है दरार, यानी कि ये हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने यह 19 अगस्त को करने वाला उपाय बताए हैं। अगर आपके रिश्ते में सुधार नहीं है, मधुरता नहीं है, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो बहुत ही छोटा सा यह उपाय है जो आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके रिश्तों में आएगी सुधार, यानी कि पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं वह सब समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको हरियाली तीज के दिन लेना है एक चुनरी। और तो उपाय को जानने के लिए वीडियो को कर ले लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ये उपाय आपके जो है जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लाने वाली है, और जो है अगर आपके संबंध में कड़वाहट है उसको भी दूर करेगा। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपको लेना हरियाली तीज के दिन एक लाल कलर की चुनरी और कुमकुम से यह मंत्र लिख देना है। यह मंत्र लिखने मात्र से और माता गौरा और भोले शंकर को अर्पित कर देंगे, आपका निश्चित तौर से आपकी हर एक समस्या हो जाएगी खत्म। तो यह मंत्र है, ओम नमः शंभवाय चा मयो भवाय चा नमः शंकराय चा मयंकराय चा नमः शिवाय चा शिव तराय चा। आपको यह छोटा सा उपाय यानी कि यह मंत्र लिख लेना है। फिर से एक बार बता रही हूँ, ओम नमः शंभवाय चा मयो भवाय चा नमः शंकराय चा मयंकराय चा सा शिवाय चा शिव तराय चा। आपको यह मंत्र चुनरी पे कुमकुम से लिखना और किसी चीज़ से नहीं, कुमकुम से लिख देना है। और भोले शंकर शिवलिंग पे भी आप इस चुनरी को अर्पित कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को बोलते हुए छोटा सा उपाय करके आप अपने संबंध अपने रिश्तों में ला सकते हैं मधुरता। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।